बिस्मिल्लाम एज़ वी आर डिस्कसिंग फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया करेंगे जिससे आप लोगों ने एट डिफरेंट टाइम्स डिस्कस किया होगा कहीं देखा भी होगा हम अपनी एग्जाम्पल्स में भी कुछ कोट करके आ रहे हैं बट नाओ विल बी फोकसिंग ऑन दैट दैट इज़ अबाउट करेंसीज और करेंसी का क्या रिस्क हैं हाउ दैट इज़ बीग कैलकुलेटेड हाउ दैट बींग इम्पैक्टिंग आज उसका इंडिविजुअल कैपेसिटी में क्या रोल है और ओवरऑल पोर्टफोलियो के क्ट्रम में कैसे वो हमें इंपैक्ट करेगी ये हम इसमें बात करेंगे द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सिग्निफिकेंटली इंपैक्टेड बाई चेंजेस इन करेंसी एक्सचेंज बिकॉज जो करेंसी के रेट्स जो हैं हमारे ये स्टैटिक नहीं है ना ये परमानेंटली लॉक किए जा सकते हैं सो दे आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग तो उनका हमारे पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है तो इसलिए वी शुड गिव एडिकुएट टाइम इस पर इंपॉर्टेंस दी जाती है इन ऑल अफेयर्स फाइनेंस में जहाँ भी आप बात करेंगे जहाँ पे भी करेंसी से रिलेटेड मैटर्स होंगे वहाँ पे इसकी डिस्कशन की जाएगी इन्वेस्टर शुड अप्रिशिएट द इन्फ्लुएंस दैट एक्सचेंज मार्केट हैज़ ऑन स्टॉक अब जो स्टॉक्स आपने लिए हुए हैं या जो स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करके बैठे हैं उस पर क्या इम्पेक्ट आएगा जो हमारे पास हैं और उनका उस कंपनी पे क्या लिंक है तो ये सारा हमें एक पूरा अंडरस्टैंडिंग की इसकी ज़रूरत होगी इन्वेस्टर हैव एक्सपोजर करेंसी बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन रिस्क ट्रांजेक्शन रिस्क ये दो तरह के रिस्क हैं अभी हम इसकी फर्दर बात भी करेंगे दिस डेट करेंसी एक्सचेंज रेट्स विल चेंज आफ्टर फाइनेंशियल ऑब्लीगेशन हैव ऑलरेडी बीन सेटल जब हमने एक ट्रांजेक्शन लॉक कर दी है उसके बाद करेंसी हमारी उस पर इंपैक्ट करेगी फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज़ बेच दी है फॉरन करेंसी या आपने कोई चीज़ परचेज कर ली है या आपने कोई सर्विस एग्रीमेंट कर ली कोई भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आप लॉक हो गए हैं तो उसके बाद करेंसी का जो इम्पैक्ट आएगा दैट इज स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू ट्रांजेक्शन रिस्क एक ट्रांजेक्शन एक पर्टिकुलर जो एंट्री है तो वो कैसे इम्पैक्ट कर रही होगी करेंसी पो योर अपन एसिड सच एज स्टॉक इज द सेंसिटिविटी ऑफ दैट एसिड रिटर्न मैड इन द इन्वेस्टर्स डोमेस्टिक करेंसी टू फ्लक्चुएशन इन द एक्सचेंज रेट इन सिंपल वर्ड्स आपने कोई स्टॉक खरीदा आपने कोई इन्वेस्टमेंट लॉक इन की तो मेन चीज़ है अगर आप जैसे पाकिस्तान में बैठे हैं और आपने कोई स्टॉक यूएस का ख़रीद लिया है या आपने कोई स्टॉक चाइना का ख़रीद लिया है या यूके का ख़रीद लिया है तो एट द डे एंड इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने पाक रुपीज़ में कितने पैसे इन्वेस्ट किए और आफ्टर द इन्वेस्टमेंट एन आपने पाक रुपीज़ में कितना कमाया अब डॉलर्स में कितना कमाया था उसमें क्या रिटर्न आया था वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है लेकिन एक्चुअली रियलाइजेशन जो है वो तो आपकी अपनी बेसिक डोमेस्टिक करेंसी है तो ये हमारा इम्पैक्ट लेके हमने आना है कि डोमेस्टिक करेंसी में वो कैसे रूट हो रहा है इन्वेस्टर्स एज ओनर ऑफ कंपनीज एंड एसेट्स हैव करेंसी एक्सपोजर थ्रू एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन इन्वेस्टर्स शुड नो हाउ दीज फैक्टर्स कुड अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ एसेट्स इन पोर्टफोलियो कि हमारे पास जो जो एसेट्स हैं करेंसी की मूवमेंट उसको कैसे इम्पैक्ट करेगी करेंसी का उस पर कितना इम्पैक्ट आएगा कितना रोल होगा उसको हमें कैसे गेज करना है उसको फिर आगे हम देखेंगे कि कैसे उसको मैनेज भी करना है और हमने उसको स्ट्रक्चर कैसे करना है रियल एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स में हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन इकोनमीज एंड इंटरनेशनल कॉर्पोरेशंस इवन ये एक पर्टिकुलर रीजन को भी इम्पैक्ट कर सकती है इवन पूरे कंट्री को भी और इवन एक मोर देन अ कंट्री एक पूरे सब कॉन्टिनेंट को और एनी पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट या पूरे रीजन को इम्पैक्ट कर सकती है सो वी शुड बी वेरी मच अवेयर ऑफ द करेंसी इम्पैक्ट क्योंकि ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है एंड हैव ओवरऑल इम्पैक्ट इकोनमीज पूरी इस बिग इम्पैक्ट हो रही होती हैं एज रियल एक्सचेंज डेट गोज अप एंड डाउन अर्निंग्स कॉस्ट मार्जिनस आपके एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन आपकी अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन एक्सपेंसिस ये सारी चीज़ें उसके साथ अटैच हो जाती हैं सारी चीजें उसके साथ लिंक हो जाती हैं अगर कॉमन लैंग्वेज में बात करें आपने कई दफा सुना होगा जी पाकिस्तानी करेंसी वीक हो गई या डॉलर महंगा हो गया तो सारी चीजें महंगी हो गई तो ये क्यों है क्योंकि इंपैक्ट मल्टीटियर है डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट फॉर्म का इंपैक्ट इसमें आते हैं अगर हम थोड़ी इंटरनेशनल एग्जांपल की बात करें फ्रेंच टायर है मिशलिन और भी बाकी काफी टायर कंपनीज हैं बट इज वन ऑफ अ फेमस वन एज्यूम दैट दूरोट सब्सटली अगेंस्ट अ वाइटी ऑफ करेंसी अब ये फ्रेंच कंपनी है इनकी बेस करेंसी यूरो है, Now assuming कि अगर यूरो बहुत ज्यादा एप्रिशिएट कर जाए तो उसका क्या इंपैक्ट आ सकता है आप बताएं यू शुड हैव आइडिया हम जब कोई क्वेश्चन रेज करें आप अपने माइंड में उसका आंसर प्लॉट कर दिया करें

फॉरन कंट्री जैसे मैंने अगर पाकिस्तान में मिशलिन का टायर लेना होगा अगर अप्रिशिएट कर रहा होगा तो आई हैव टू पे मोर फॉर द सेम टायर बिफोर दैट एप्रिसिएशन नेट एक्सपोर्ट्स आउटसाइड यूरोप वुड लाइकली डिक्रीज क्योंकि प्राइसिस हमारी कंपेटिटिव इतनी रही रहीं तो हमारा एक्सपोर्ट वाला जो एम है क्वान्टम है वो यूरोप का उस फ्रेंच कंट्री का कम होगा स्पेशली इस कंपनी की भी अगर हम बात करें तो इसका भी एक्सपेक्टेड है कि इस करेंसी चेंज से उसकी एक्सपोर्ट्स कम होंगी इफ सेल्स डिड इंक्रीज डिक्रीज अगर अब सेल कम होती है इफ वी एज्यूम दैट थिंग्स गो इज एज वट वी आर सेल्स कम होंगी तो यू कैन डेफिनेटली बींग अ फाइनेंस स्टूडेंट नो वेरी वेल कि अगर टॉप लाइन आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की कम हो रही है तो उसका ड्रिल डाउन इफेक्ट थ्रू आउट आएगा ग्रॉस प्रॉफिट्स भी कम होंगे नेट प्रॉफिट्स भी होंगे सो यू कैन सी द इम्पैक्ट इन दैट इफ द प्रॉफिट्स आर फॉलिंग एंड देन यू कैन सी द शेयर प्राइस विल फॉल दिस इज अ वेरी प्रॉपर कनेक्शन एंड लिंक बिकॉज करेंसी का उस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट है अगर इसका रिवर्स हो जाए इफ द फ्रैंक वॉर टू डेप्रीशियट सब्सटैंडली अगेंस्ट द बास्केट्स ऑफ करेंसी मिशलिन टायर वुड बिकम मोर प्राइस कंपेटिव उससे क्या होगा फायदा के दे विल बी एबल टू सेल देयर प्रोडक्ट मोर टू द अब्रॉड बिकॉज नाउ देयर प्रोडक्ट इज चीपर फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज लोकल करेंसी उनकी डेप्रिशिएट हो गई है दीज इम्पैक्ट ऑन कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट ड्यू टू एक्सचेंज डेड हैव नॉक आर इम्पैक्ट ऑन द स्टॉक प्राइस ये मैंने पहले बात भी की है कि अगर उसकी ट्रेडिंग पे उसके बिजनेस वॉल्यूम्स पे इंपैक्ट आएगा तो डेफिनेटली उसके शेयर प्राइस पे भी उसका इम्पैक्ट आएगा इन्वेस्टर शुड नोट दैट इम्पैक्ट दैट यू एस डॉलर एक्सचेंज रेट हैज ऑन ऑल एसेट मैनी रो रॉ मटीरियल इंक्लूडिंग ऑयल आर प्राइज इन डॉलर अब एक डॉलर जो है, एक है. Mean, जो है वो एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग करेंसी है मेन जो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट हैं वो डॉलर पे हो रहे हैं तो इसी तरह जो डॉलर की फ्लक्चुएशन है दैट इम्पैक्ट द होल वर्ल्ड इन ऑल डिफरेंट फॉर्म्स तो अगर आपकी करेंसी विद कंट्रास्ट टू डॉलर चेंज हो रही है तो यू विल बी हाईली इम्पैक्टेड। यू एस डॉलर डेप्रीसी इंक्रीज प्राइस ऑफ रॉ मटीरियल वाइल आर डॉलर अप्रीशिये टेंस टू डिक्रीज द कमोडिटी प्राइस दिस यूनिक रिलेशनशिप शुड बी फैक्टर्ड इन करेंसी एक्सपोजर ये अभी हमने एक ग्लिम्पस लिया है अभी हमने इसकी एक बात की है कि ये करेंसीज हमें कैसे इम्पैक्ट करेंगी जैसे डॉलर की भी बात की है तो अगर वह एप्रीशियट कर रहा है तो उसकी उसका मतलब है प्राइसिस बढ़ जाएंगी इट विल है नेगेटिव इम्पैक्ट अगर वो डेप्रिशिएट कर जाएगा तो देन थिंग्स विल बी अदर वेराउंड तो हमें ये देखना है कि क्या किस तरह इम्पैक्ट कर रही है करेंसी और उसका हमारे कंपनी पे उसके प्रॉफिटेबिलिटी पे उसके स्टॉक पे एंड देन ओवरऑल इकोनॉमी पे कितना इम्पैक्ट है इसको हम थोड़ा डिटेल से अभी डिस्कस करेंगे इन सेपरेट कमिंग मॉड्यूल्स थैंक यू